आउज़बिल्लिनीम बिस्मिल्लर रही वी आर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स स्किल्स लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट प्लानिंग बेसिकली वी आर टू अंडरस्टैंड द दगनेटिव स्किल्स दैट इज़ रियली एक्सैक्टिव स्किल ऑफ द ब्रेन यानी चीज़ों को हम किस तरह से सोचते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर हम एक्शन करते हैं और हमारे तमाम एक्शंस का ताल्लुक हमारी बुनियादी जो स्किल है सोचने की स्किल और सोचने की स्किल से मुराद यह है कि ये रिलेटेड टू द वेरी स्पेसिफ़िक टास्क है। कि हम अपने उस मखसूस टास्क को जब सोचते हैं तो उसके अंदर हम उसकी तरतीब उसकी चीज़ों के साथ ताल्लुक़ उसका अहम होना और उसका ज़रूरी होना ये हम मद्दनज़र रखते हैं और उसमें हम ये चीज़ें जहन में रखते हैं कि किन चीज़ों का ताल्लुक उसके मुस्तबिल के साथ है यानी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना दोज आर रिलेटेड आर मेकिंग बेसिक्स आर प्रपेयरिंग बेसिक्स फॉर दी ग्रेट थिंग्स और छोटे गोल्स बड़े गोल की तरफ हमें ले जाते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम स्पेसिफिक चीज़ों को करते हैं और जब बड़े गोल्स को अटेन करना हो तो उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती हैं और इसमें हमारी जहनी सलाहियतें हैं जो ब्रुएकार हम लाते हैं और सोचने के लिए छोटे छोटे अवामिल ज़रूरी हैं चीज़ों का इस्तेमाल वो सोचना चीज़ों को मुख्तफ अंदाज से सोचना और फिर उनके असूल और उनकी उन उनकी तहफ़ के बारे में सोचना ये ये उसका कोगनेटिव आस्पेक्ट है कि हम मख्तलफ अंदाज़ से तरीकों से चीज़ों को सोचते हैं और सोच सकते हैं इसमें यकीन मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें बड़ा अम ताल्लुक जो है न वो कंसंट्रेशन का है तवज्जो का है कि कितनी तवज्जो के साथ हम किसी चीज़ पर मरकूज़ नज़र होते हैं और आ, हम कितनी देर तक उसके बारे में सोचते हैं और बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरप्शन के हम उसके बारे में कुछ चीज़ों को सोचते हैं और आ, इसके लिए फिर हम जो नेसेसरी एक्शंस हैं वो ये हैं कि हम उसको गोल के बारे में आ, हम ले जाते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने मेन गोल की तरफ हमारी हेल्प करें और उसमें आ, इस बात का खास ख्याल रहना चाहिए कि हमारे सोचने का अंदाज इन दैट शुड बी इन अ राइट ऑर्डर यानी दरमियान में बहुत सारी चीज़ें जो है नाम हम कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं एक बात पर हम गौर वफिक कर रहे हैं उसके मुख्तफ मतलब आस्पेक्ट सोच रहे हैं और इंटरप्शन होगी तो हम जाहिर है कुछ और सोचना शुरू कर देंगे और असल बात पीछे रह जाएगी और हम रिलैक्स होते होते हम अपने किसी और मकसद की तरफ चल पड़ेंगे इसमें ये भी है कि हमें मुख्तलिफ़ तरह के कोगनेटिव रिसोर्स का इस्तेमाल कर अब कागनेटिव रिसोर्स से मुराद क्या है कि हम जब दूसरे दोस्तों से दूसरे अच्छे जहन रखने वाले अपने साथियों से मशवरा करते हैं उनको बात पूछते हैं कि वट इज़ योर कंट्रीब्यूशन वट इज़ योर ओपिनियन तो ये उसके कागनीटिव रिसोर्स की तरफ या उसके इस्तेमाल का एक अहम जरिया है और दूसरा यह है कि मुख्तलफ़ कागनेटिव रिसोर्स इस्तेमाल करने के लिए हम किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तफ़ तरह की जो वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं उससे रिलेटेड उसके मुख्तफ़ आसपैक्ट्स को मॉडल की सूरत में तस्वीर की सूरत में या फिर यह है कि रिटर्न फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद होती हैं और आजकल सहूलत हासिल है कि हमें यूट्यूब और इस तरह के जो रिसोर्स हैं वहाँ से उसे मिलती जुलती चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें हमें सोचने में आसानी होती है इसी तरह इनकी बुनियाद पर उन रिसोर्स की बुनियाद पर हम अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं और इसी तरह बच्चे को हम जो इम्पोर्टेंट वो प्रोवाइड करते हैं उनकी हेल्प आउट करने में मामद करते हैं और उनको एक जरिया या सोर्स बताने में या उनको फिज़िकली उनको ढूंढकर कर चीज़ों को देने के लिए ताकि वो उनको उनका वक्त बचे और वो कंसनट्रेटेड रहें और इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब रिसोर्स हमारे पास आ जाएँ तो उसमें से फिर हम चीज़ों को ज़रूर अखज़ करें कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है चार पांच मॉडल्स हमने देखें तो the thing that is which is more important which is more common which is more useful that should be extracted and that should be highlighted and that should be used for the purpose jo hum kaam karna cha rahe hain usme se hum cheezon ko zarur highlight kare aur uh, aasan tarika ye hai ki hum cheezon ko agar padh kar highlight karte jaye और बाद में हम उसका एक comparison कर लें तो ये बड़ी आसान सूरत है फॉर द कॉग्निटिव एबिलिटीज यूजफुलनेस इसमें एक और बात जो है कि नए गोल्स को को डेवलप करना क्रिएशन ऑफ दी गोल्स और फिर यह कि उनके अटेनमेंट के लिए उनको यकीनी बनाने के लिए अमली सूरत देने के लिए हाउ वी आर प्लानिंग और प्लानिंग तभी मुमकिन होगी जब हम गोल और उसको सेट करने के लिए उसके तमाम आस्पेक्ट्स को हम गौर फिक्र करने के बाद यकीनी तौर पर देखते हैं और फिर हम उस प्लान को भी यकीनी बना सकते हैं और इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जब हम कुछ काम शुरू कर देते हैं और उस पर हम अपनी कोगनेटिव स्किल्स को सोचने की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं भरोक लाते हैं तो हमारे अंदर कोगनेटिव स्टिमूलेशन भी डेवलप होती है यानी मज़ीद सोचने का हमें मौका मिलता है छोटी छोटी चीज़ों को सोचेंगे और फिर उसके बाद उसके बाकी आस्पेक्ट सोचने पर हम मजबूर हो जाएंगे क्योंकि बुनियादी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं जहन के अंदर मौजूद होती हैं और उसके बाद हम बड़ी चीज़ों को सोचने का मलका रखते हैं और हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा हो चुकी होती है और ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के छोटी छोटी चीज़ों के बारे में गौरव फिक्र करना और वही छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों को बनाने में बड़े प्रोजेक्ट बनाने में हमारी हेल्प कर रही होती हैं तो वी टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ और हेल्दी लाइफ में पॉजिटिव सोच एक आम सोर्स है एक आम जरिया है कि चीज़ों के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं सोचने के लिए बड़ा ज़रूरी है द गुड थिंग्स एंड नॉट गुड थिंग्स एंड वाट शुड बी द इम्पॉर्टेंट एंड वाट शुड बी लिंक्ड एंड वाट शुड नॉट बी लिंक्ड इन चीज़ों पर अबूर हासिल करना और उनके साथ उसका ताल्लुक होना ये Uh, हमें हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाता है थैंक यू वेरी मच